नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वायरो एकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में भी हम एक और बहुत ही आसान सा और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। अभी ये क्वेश्चन जो है 2020 में भी आया है, 2019 में भी आया है और जिस ट्रेंड से ये चल रहा है लगभग हर दूसरे पेपर में ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिया जा रहा है। हालांकि अब पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, जो लोग न्यूमेरिकल सभी सोल्व कर चुके हैं जिन्होंने ये प्लेलिस्ट देखा है तो डेफिनेटली उनको ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा, बट फिर भी क्विक रिविज़न के लिए हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर देख लेते हैं। सिंपली इस क्वेश्चन में आपसे एक यूनिट कन्वर्जन जो है वो पूछ लिया जाता है। जब भी हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे ppm 2 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब या ppm 2 mg पर मीटर क्यूब इस यूनिट कन्वर्जन के ऊपर ये क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है यूनिट। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे देखिए ppb है और आंसर जो है वो आपने निकालना है माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में, ठीक है। तो या तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा या इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, ppm में आपसे वैल्यू दी होगी और पूछ लिया जाएगा mg पर मीटर क्यूब में। बट कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आया है कि वैल्यू आपसे ppm में दी है और आंसर जो है वो माइक्रोग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब में आपको निकालने को दिया है। तो बड़े ध्यान से आपने ये चीज़ देखनी है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, इसको तो कभी गलत करना ही मत, बट गलती कहाँ हो सकती है, जैसे मैंने बताया कि जब हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लोगे, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। mg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इन ppm इंटू मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई 24.45, ठीक है। ये 24.45 क्या है, मैं बहुत बार इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि NTP पे यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे एक मोल एयर में 24.45 लीटर गैस होती है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन है, अब यही फॉर्मूला उसमें भी अप्लाई होगा, ठीक है। mg की जगह क्या हो जाएगा माइक्रोग्राम और ppm की जगह क्या हो जाएगा आपका ppb, ठीक। तो इस फॉर्मूला में जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो 80 × 46 डिवाइड बाई 24.45 क्या मिल गया आपको 150.5, ये तो आपका आपको आंसर मिल गया। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि अगर आपको ppb टू माइक्रोग्राम निकालना है तो सिंपल ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ppm टू mg पर मीटर क्यूब निकालना है तो ये फॉर्मूला कर लेंगे। बट अगर ppm में वैल्यू है माइक्रोग्राम में आपको आंसर निकालना है तो उसके आगे का यूनिट कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वो तो आप कर ही लोगे, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि भाई mg टू माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कोई आपको लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी है, सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई करना है, कर ही लेंगे आप। बट फिर भी जो पॉइंट है अपने माइंड में रखना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन आया था जैसे कि इसमें 1 ppm कंसंट्रेशन SO2 की दी हुई है और आपको आंसर निकालना है माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो सिंपल सी चीज़ें, कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर निकाल लिया उसको फर्दर आपने माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कर देना है, ये क्वेश्चन, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, 100 ppb वैल्यू दी है माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में, आपने निकाल लेना है।
तो ये क्वेश्चन शायद 2019 में आया था, जो पहला क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है, ठीक है, वो 2020 में आया है। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं कि लगभग हर दूसरे पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, डिटेल में भी इस क्वेश्चन पे बात कर चुके हैं, बट फिर भी ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है कि जल्दी 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 में हम चीज़ों को रिवाइज कर रहे होते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो छूट जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में यूनिट का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फिर से आप देखेंगे कि 2 PPMCO की कंसंट्रेशन है और आपसे फिर से वही आपसे पूछ लिया गया है। तो इन CO, SO2 और आपका NO, NO2, ओजोन, ये 4-5 आपके ऐसी गैसेस हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। अगर मॉलिक्यूलर वेट ही नहीं पता आपको तो भी आप हिट नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। तो ये जो आपके, जैसे मैंने बताया NO2, NO, CO, SO2, इन जो हमारी गैसेस हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट भी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, आप लगातार पढ़ रहे होंगे। जितना भी टाइम है इस टाइम में आप जितना ज़्यादा रिवीजन कर लेंगे, जितने अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, उतने ही चांसेस इंक्रीज होंगे कि आपका JRF हो, ठीक है। 70% से कम नंबर लेके नहीं आने हैं, इसी टारगेट के साथ में हम स्टार्टिंग से चले हैं। तो ये जो टाइम है इस टाइम को और थोड़ा सा अब स्पीड बढ़ाइए, रिवीजन कई ठीक है, लगातार पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ में हैं, हमेशा रही हैं दोस्तों और हमेशा रहेंगी, ठीक है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको मिले, जैसे ये एक और क्वेश्चन है, इसमें फिर से वही है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू दी हुई है और आपको mg/m³ में निकालनी है। तो सेम छोटे छोटे फॉर्मूला पे बेस्ड इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनको तो गलत करना ही नहीं है। ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं कि कितनी बार रिपीट हुआ है। अब ये क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं, थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन का अगर ध्यान रखेंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया। मैं ज़्यादा चीज़ें इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि स्किप हो जाती हैं दोस्तों, ठीक है। रिपीट करने का मतलब यही है कि उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। जब हम फ्लो में बात कर रहे होते हैं तो छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो निकल जाते हैं माइंड से हमारे, कि भैया इस क्वेश्चन में आप देखो इन्होंने PPM के साथ V लगा दिया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसी से कन्फ्यूज हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि भैया 760 ऑफ HG प्रेशर, ठीक। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न आ जाएगी कि यार ये तो हमने तो NTP पे किया था, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे, यहाँ पे तो ये आपका HG में प्रेशर है, वहाँ पे कहीं पे 1, जैसा इस क्वेश्चन में देखिए, ठीक है, 1 atmospheric प्रेशर दिया है, यहाँ पे आपको 760 HG प्रेशर दे दिया। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, कोरिलेट करना कि ये ए यूनिट अलग है, ये यूनिट अलग है, मतलब सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने HG में दे दिया आप जो प्रेशर है, ये स्टैंडर्ड प्रेशर होता है, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल और स्टैंडर्ड की बात करो तो ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, 22 या 24 कैलकुलेशन करोगे तो रिज़ल्ट आपका लगभग उतना ही आएगा, ठीक है। बट फिर भी थोड़ा सा अपने माइंड में इन चीज़ों को आप रख के करेंगे तो डेफिनेटली आप हर क्वेश्चन जो है आसानी से कर पाएंगे। और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आसान क्वेश्चन, उनका एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है दोस्तों, मुश्किल क्वेश्चन जो हैं वो तो आप मुश्किल से 5 या 7 ही होते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन हिल ही नहीं रहा है। बाकी 90 क्वेश्चन तक ऐसे होते हैं कि हाँ भैया आप कुछ कर सकते हो उनका। और 60 क्वेश्चन जो हैं वो तो ऐसे होते हैं कि जिन्होंने आप जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको दी हैं उनको एक बार अच्छे से देख भी लिया होगा ना, 60 क्वेश्चन कर लेंगे, बाद के जो ये 60 से 90 तक पहुंचने का जो सफ़र है उसमें थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ता है,
ठीक है, 90 के बाद के 3-4 क्वेश्चन जो है वो लक पे होते हैं, और 3-4 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट पे होते हैं पेपर में। इस टाइप से पेपर जो है वो सेट किया जाता है। हमारा टारगेट 70% का है, तो हम अगर अच्छे से करेंगे तो 60 तो हमारा हो ही जाना चाहिए, नेट तो हमारा हो ही जाना चाहिए। उसके बाद का सफ़र जो 10 क्वेश्चन का सफ़र रहता है ना, ये कि 70% में बोलता हूँ कि 70% लेके आना है, यही तो सारा खेल क्रिएट करता है। तो उसमें हमारा ये क्वेश्चन में जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको क्रिस्टल क्लियर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा सही करेंगे और उतने चांसेस बन जाते हैं JRF क्लियर करने के। तो दोस्तों आप लगातार पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू।